नाउ सी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, इन अ प्लेन ट्राइंगल ए बी सी फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोस ए इंटू कोस बी इंटू कोस सी. आपको मैक्सिमाइज किसको करना है, कोस ए कोस बी कोस सी वाले फंक्शन को. ठीक है, आप देखो इसमें तीन वेरिएबल है आप लोगों के, ए बी एंड सी, तो मुझे इसको दो वेरिएबल का फंक्शन बनाना है. तो क्योंकि आपको गिवन फिगर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीन एंगल हैं ए बी सी, तो आपको एक रिलेशन जो जानते हो ना आप इन तीनों एंगल के बीच में, जो कि क्या होता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, मतलब पाई है ना, पाई यूज करते हैं आप 11th 12th में इसको. तो आप लोगों का क्या मिल जाएगा, एक इक्वेशन इन ट्राइंगल ए बी सी की ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर पाई है. तो यहां से आपको जो इसको मैक्सिमाइज करना था जिस फंक्शन को, जो कि था कोस ए कोस बी कोस सी, उसमें थर्ड वेरिएबल सी की जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूंगी, पाई माइनस ए प्लस बी, है ना. क्या आ जाएगा यहां से, सी पाई माइनस ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी. तो अब आपका ये फंक्शन क्या बन गया, कोस ए कोस बी कोस सी की जगह क्या डालूंगी, पाई माइनस ब्रैकेट में ए प्लस बी. तो ये जो पूरा फंक्शन है किसका वेरिएबल्स का बन गया है, ए और बी का. तो इस बार आपका इसको क्या मान लेंगे, इसी को आपने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है ना. तो आपका फंक्शन ये बनेगा एफ और किन दो वेरिएबल्स का, ए कॉमा बी का. तो यहां से कंफ्यूज मत होना, एक्स कॉमा वाई की जगह इस बार आपके वेरिएबल्स क्या है, बिग ए एंड बिग बी. तो एफ ए बी ये है आपका. और आप लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, कोस पाई माइनस थीटा, पाई आप लोगों का ये होता था ना क्वाड्रेंट में, ये जीरो होता था, ये पाई बाय टू होता था, और ये क्या होता था आपको, थ्री पाई बाय टू. तो कोस पाई माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में आपका कोस कैसा होता था, नेगेटिव होता था ना. तो कोस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस कोस थीटा, माइनस बाहर आ जाता था और कोस थीटा बन जाता था. तो कोस पाई माइनस ए प्लस बी क्या मिल जाएगा, माइनस ही बाहर आ गया, कोस ए प्लस बी. ठीक है, तो आपका एफ ए बी क्या मिला है, माइनस कोस ए कोस बी इंटू कोस ए प्लस बी. अब मुझे क्योंकि एफ को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव इसके पहले वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल एफ अपॉन डेल एक्स से क्या लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल ए और डेल एफ अपॉन डेल बी कैलकुलेट करेंगे. इनको जीरो के इक्वल रख के क्या निकालेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट. उसके बाद आप लोग क्या निकालते थे, ए बी एंड सी ना. लेकिन यहां देखो ए और बी यहां पर वेरिएबल की तरह यूज हो रहा था, आप उनको इस क्वेश्चन में ए डैश बी डैश सी डैश कर लीजिएगा. वेयर ए डैश क्या हो जाएगा आपका, डेल स्क्वायर एफ, मतलब एफ का सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होता था, एक्स के ना, लेकिन एक्स जगह ए यूज कर रहे हैं. तो ए डैश क्या आप लोगों का, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल ए स्क्वायर. सिमिलरली बी डैश क्या आप लोगों का, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल ए डेल बी, बिकॉज ए वेरिएबल्स आर ए एंड बी. सिमिलरली सी डैश क्या हो जाएगा आप लोगों का, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल बी स्क्वायर. क्लियर है. तो सबसे पहले मैं डेल एफ अपॉन डेल ए निकाल रही हूं, मतलब एफ का पार्शियल डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में कीजिए. अब जब मैं एफ का पार्शियल डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में करने जाऊंगी तो कोस बी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि बी है, बी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रेट होगा. आपको माइनस कोस ए और कोस ए प्लस बी का क्या निकालना है, डेरिवेटिव करना है. तो आप लोग यहां पर क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. ठीक है, माइनस यहां बाहर ही ले लीजिए. ठीक है, मैंने माइनस कोस बी बाहर रखा, अंदर कोस ए इंटू कोस ए प्लस बी का लगाएंगे. तो देखो पहले क्या करा मैंने, कोस ए प्लस बी एज इट इज. ठीक है, कोस ए का क्या हो जाएगा फिर, माइनस साइन ए, फिर प्लस कोस ए एज इट इज. कोस ए प्लस बी का क्या आ जाएगा, माइनस साइन ए प्लस बी. फिर ये माइनस माइनस मैंने बाहर निकाल दिया ताकि ये माइनस माइनस क्या बन जाए, प्लस बन जाए. तो फाइनली आपके पास डेल एफ अपॉन डेल ए क्या आएगा, कोस बी साइन, अच्छा एक सेकेंड, ये कोस बी, अच्छा ये माइनस माइनस बाहर निकाल दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. अंदर क्या बचेगा फिर आपके पास, साइन ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी. इसमें एक स्टेप कर दीजिएगा अगर आपको कंफ्यूजन है, माइनस बाहर निकाल दीजिएगा तो प्लस बन जाएगा. तो फाइनली आप लोगों के पास क्या बचेगा, कॉस बी साइन ए इंटू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस बी. क्लियर है. अब देखिए ये एक आइडेंटिटी थी है ना, साइन ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी. कौन सी आइडेंटिटी थी आप लोगों की, साइन ए प्लस बी. क्या फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. ठीक है, तो यहां से आप लोगों का साइन ए कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए साइन ए प्लस बी किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन ए प्लस बी, जो कि क्या हो जाएगा, कॉस बी इंटू साइन 2a प्लस बी. ये आपका डेल एफ अपॉन डेल ए आया. सिमिलरली मुझे डेल एफ अपॉन डेल बी निकालना है, मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव b के रिस्पेक्ट में. फिर से cos a बाहर रखा है, इनफैक्ट माइनस cos a बाहर रखा है. फिर से cos b इंटू cos a प्लस बी का इस बार b के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो इन दोनों में क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल. पहले मैंने cos a प्लस बी एज इट इज लिखा, cos b का क्या हो जाएगा, माइनस साइन b, फिर प्लस cos b एज इट इज रखा, फिर कॉस ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए प्लस बी. फिर से माइनस माइनस बाहर लिया और ये प्लस बन जाएगा. तो फाइनली आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी प्लस
कॉस बी साइन ए प्लस बी। फिर से आप लोगों के पास कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, वेयर ए का काम बी एंगल कर रहा है और बी का ए प्लस बी एंगल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाएगा, किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी मतलब बी प्लस ए प्लस बी। तो डेल एफ अपॉन डेल बी आप लोगों के पास क्या आया है, कॉस ए इंटू साइन टू बी प्लस ए, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए आप डेल एफ अपॉन डेल ए को भी जीरो रखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल बी को भी जीरो रखते हैं। डेल एफ अपॉन डेल ए क्या आया था आपका, कोस बी इंटू साइन टू ए प्लस बी जीरो के इक्वल, और दूसरी क्वेश्चन क्या आई थी, कोस ए इंटू साइन ए प्लस टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को इनको सॉल्व करना है। पहले देखिए ध्यान से, इस वाले में फर्स्ट इक्वेशन में इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, मतलब या तो ये जीरो या फिर ये जीरो। अगर आप कोस बी को जीरो रख लेते हैं तो आपका बी कितना आ जाएगा, कॉस किस पे जीरो होता है, 90 डिग्री पे ना, और 90 क्या होता है आप लोगों का पाई बाय टू, तो मतलब बी एंगल आपका पाई बाय टू होना चाहिए। अगर बी पाई बाय टू होना चाहिए तो इक्वेशन टू में बी की जगह पाई बाय टू डाल दो, तो क्या बन जाएगा, ये कॉस ए इंटू साइन ए प्लस टू इंटू बी की जगह पाई बाय टू डालोगे तो पाई बन जाएगा। फिर कॉस पाई साइन पाई प्लस थीटा, साइन ये पाई था, पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका नेगेटिव, तो साइन पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या था, माइनस साइन थीटा, तो साइन ए प्लस पाई क्या बन जाएगा, माइनस साइन ए। तो आपके पास क्या है, कोस ए इंटू माइनस साइन ए इक्वल टू जीरो, जिसको आप माइनस साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन में टू से मल्टीपल टू से डिवाइड कर दिया, ताकि ऊपर क्या बन गया, देखो टू साइन ए कॉस ए आप लोगों को क्या होता है, साइन टू ए होता है ना, और ये टू डिवाइड का जो मैंने किया था वो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हुआ, जीरो बन जाएगा और माइनस भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो साइन टू ए फाइनली क्या आ गया, जीरो। अब साइन जीरो किस पे होता है, साइन टू ए जीरो मतलब ये जो एंगल है टू ए या तो जीरो होगा या फिर साइन किस पे जीरो बनता है, पाई पे, है ना। तो या तो टू ए जीरो के इक्वल होना चाहिए या फिर पाई के इक्वल होना चाहिए, तो यहां से ए की दो वैल्यूज आई, या तो ए जीरो या फिर ए पाई बाय टू, ठीक है। बट अगर ए जीरो हो गया, ए क्या था ट्राइंगल का एक एंगल ना, वो तो क्या नहीं होना सकता, जीरो नहीं हो सकता ना, तो ये तो जीरो रिजेक्ट कर लेंगे आप लोग, तो क्या रखेंगे, ए पाई बाय टू। जब बी पाई बाय टू था तो ए के दो चॉइस आई, या तो ए जीरो या फिर ए पाई बाय टू, ए जीरो मैं ले नहीं सकती तो मैं ए पाई बाय टू लूंगी, तो मतलब बी भी पाई बाय टू आया और ए भी पाई बाय टू आया। अब ए और बी की वैल्यू ले जाकर के यहां डाली ताकि सी निकाल सकूं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी पाई के इक्वल था, तो यहां से जब सी की वैल्यू आप डालेंगे ए और बी पाई बाय टू पुट करके, तो सी कितना आ जाएगा, जीरो। तो फिर से मतलब ये केस ही मुझे रिजेक्ट करना पड़ेगा, है ना, मतलब कि जो मैं ये करना चाह रही थी कि कोस बी को जीरो रख के वैल्यूज निकाल रही थी एबीसी की, तो वो बिल्कुल केस नहीं बना, रिजेक्ट। सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर आप कोस ए इक्वल टू जीरो करके करेंगे तो वो भी क्या देगा, रिजेक्शन केसेस ही देगा। तो अगला क्या बनता है कि आप इनको जीरो रखो, है ना, साइन टू ए प्लस बी को जीरो रखो। तो मैंने अब नेक्स्ट क्या करा है, साइन टू ए प्लस बी को जीरो के इक्वल रखा, तो मतलब आपका टू ए प्लस बी किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि साइन x इक्वल टू जीरो मतलब x किसके इक्वल होता है, या तो जीरो या फिर पाई, तो जीरो हम लेंगे नहीं, तो हम क्या लेंगे, टू ए प्लस बी किसके इक्वल है, पाई के। फिर आप लोगों को क्या करना है, फ्रॉम टू, टू इक्वेशन क्या थी आपकी, कोस ए इंटू साइन ए प्लस टू बी इक्वल टू जीरो, तो यहां से आप लोगों के पास क्या है, टू ए प्लस बी इक्वल टू पाई, फ्रॉम टू वी गेट साइन ए प्लस टू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। फ्रॉम टू बी हमने क्या बोला, ये तो जीरो बोल नहीं सकते ना, इनको तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आएगा, फ्रॉम टू क्या आएगा, साइन ए प्लस टू बी इक्वल टू जीरो। तो फिर से साइन किस पे जीरो होता है, पाई पे ना, तो यहां से क्या आ गया, ए प्लस टू बी इक्वल टू पाई। फ्रॉम वन इक्वेशन आया है टू ए प्लस बी इक्वल टू पाई, और फ्रॉम टू इक्वेशन आया है ए प्लस टू बी इक्वल टू पाई। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन, एलिमिनेशन कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जैसे अपन को सॉल्व करेंगे इन इक्वेशन को, ए कुछ भी बोल दीजिए, इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो आपका ए कितना आ रहा है पाई बाय थ्री, और बी भी कितना आ रहा है पाई बाय थ्री। तो ये आपका फाइनली आपको क्या मिला है, स्टेशनरी पॉइंट, जिसमें ए है पाई बाय थ्री और बी भी क्या है पाई बाय थ्री। अब इस पे आप लोगों को क्या चेक करना है, एक्सट्रीमाइजिंग या फिर कितना मैक्सिमाइज हो रहा है, मिनिमाइज हो रहा है, उसके लिए आप लोग क्या निकालेंगे, इस बार ए डैश बी डैश और सी डैश, वेयर ए डैश इज रेफरिंग डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल स्क्वायर, मतलब जो आपने डेल एफ अपॉन डेल ए निकाला था उसका फिर से ए के रिस्पेक्ट में कीजिएगा डेरिवेटिव, ठीक है, जो कि क्या आएगा टू कॉस बी कॉस ए टू ए प्लस बी। सिमिलरली बी डैश किसको रेफर करना है, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल ए डेल बी, मतलब जो आपने डेल एफ डेल बी के रिस्पेक्ट में निकाला उसका फिर से ए के रिस्पेक्ट में कीजिएगा, ठीक है, खुद करना आप लोगों को। ये कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, देखो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होती थी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। सिमिलरली सी डैश निकालेंगे जो कि डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल बी स्क्वायर होगा, ये भी निकाल दीजिएगा। और फिर मुझे क्या निकालना है, पॉइंट क्या है मेरा स्टेशनरी, पाई बाय थ्री को मैं पाई बाय थ्री, इस पे मुझे ए डैश बी डैश सी डैश कैलकुलेट करने हैं। एक सेकेंड ये मैं बता देती हूँ, ए डैश
आप लोगों का क्या आया था, टू कॉस बी कॉस टू ए प्लस बी, बी की जगह क्या पुट करना है पाई बाय थ्री, और ए की जगह पाई बाय थ्री पुट करेंगे ना तो आपके पास ये आएगा टू कॉस पाई बाय थ्री इंटू कॉस पाई। कॉस पाई देखो क्या होता है, कॉस 180 माइनस 1 होता है, कॉस पाई आप लोगों का 1 माइनस 1 होता था, और कोस पाई बाय थ्री, पाई मतलब 180, 180 अपॉन 3 मतलब 60, और कोस 60 कितना होता है 1 बाय 3, जब पुट करेंगे 1 बाय 2 इंटू माइनस 1, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1 आएगा ए डैश जो कि नेगेटिव है। सिमिलरली बी डैश आप लोगों का कोस सॉल्व करके कोस 4 पाई बाय 3 आएगा, और 4 पाई बाय 3 को क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 3, और अभी मैंने आपको बताया था कोस पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो क्या बन जाएगा माइनस कॉस पाई बाय थ्री, और पाई बाय थ्री मतलब 60, और 60 कितना होता है कॉस 60, 1 बाय 2 और माइनस 12, तो बी डैश कितना आया माइनस 1 बाय 2। सिमिलरली सी डैश आप लोगों का आएगा 2 कॉस पाई बाय 3 टू कॉस पाई, जैसे हमने ऊपर निकाला जो कि क्या आएगा माइनस 1। फिर आप क्या निकालेंगे ए डैश सी डैश माइनस बी डैश का स्क्वायर, सोल्व करेंगे 3 बाय 4 विच इज पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, और ए डैश क्या है लेस देन 0, मतलब कि ये कैसा पॉइंट बना आपका मैक्सिमम पॉइंट पाई बाय 3 कोमा पाई बाय 3। तो हमको फंक्शन की क्या मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू एट पाई बाय 3 कोमा पाई बाय 3, और आपका एफ फंक्शन था क्या ये बनाया था हम लोगों ने कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस पाई माइनस ए प्लस बी, सॉरी माइनस कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए प्लस बी। इसमें आप लोगों को क्या करना है ए की जगह पाई बाय 3 और बी की जगह पाई बाय 3 पुट कर दीजिएगा, सॉल्व करेंगे हमको क्या मिल जाएगा मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी कॉस ए कॉस बी कॉस सी की, जो कि क्या आएगी 1 बाय ए।